अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो आज का व्लॉग भी एज यूजुअल बहुत ख़ास है। जैसा कि आपको ऊपर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये मेरी कज़न है और हमारी बहुत प्यारी आपी हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है एक पेंटिंग की। तो हाँ जी, आर्टिस्ट से कुछ रिक्वेस्ट कीजिए और आर्टिस्ट ना बनाए। वैसे आपस की बात है, जब मैंने एमन को पेंटिंग गिफ्ट की थी, वो भी बनाने के बाद ना मेरा दिल बेईमान हो गया था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे देने को। आर्टिस्ट को अपनी चीज़ें देना भी बहुत मुश्किल है। तोबा तोबा, मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बनी जा रही हूँ फिर से। मैं कोई आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, बस छोटी मोटी पेंटिंग करती हूँ। वो भी अभी मेरी बिगिनिंग है, मतलब कोई ख़ास लेवल का भी काम नहीं करती मुझे। कैलीग्राफी भी नहीं आती मुझे अच्छे तरीके से। तो बस छोड़ो, सीन तो समझ ही गए हैं कि उनके एक रिक्वेस्ट पे, पहले तो मैंने सोचा जिस पे उन्होंने कमेंट किया वही बना के दो, फिर सेम बनाने का मेरा मूड नहीं हुआ, तो अब मैं कुछ चेंज बनाने लगी हूँ। वो मैंने सोचा हुआ मैंने क्या बनाने हैं, तो बस आप लोगों को दिखाती हूँ, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो मैंने डिसाइड किया मैं बड़े कैनवस पे पेंटिंग करूँगी, मतलब मीडियम साइज़ वाले पे, छोटे वाले पे नहीं करूँगी, क्योंकि कैलीग्राफी में लिखते लिखते जगह का पता ही नहीं चलता मुझे अभी एज अ बिगिनर। तो मैंने ये चूज़ किया है ड्रा करने के लिए। और मेन रीज़न, मेरे पास ये सिर्फ तीन रह गई हैं बड़ी वाली, दो में मैंने ड्रा कर लिया, तीसरी में ड्रा करके अपने कज़न को गिफ्ट कर दूँगी। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी आखिरी ख़त्म होने वाली है, फिर इसके बाद मेरे पास सिर्फ तीन छोटी रह जाएंगी। जो जो कज़न्स मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, मेरी आने वाली है बर्थडे, देर है अभी दो तीन महीने, लेकिन उनको मेरी बर्थडे का पता है। तो मुझे गिफ्ट करना हो ना ये कैनवस या मेरी पेंटिंग का सामान गिफ्ट करना, या फिर नावल्स, नावल्स की तो मैं दीवानी हूँ, समझ आ गई है ना। इसके अलावा मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कप शप गिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, बातें एक तरफ, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसे खोल लें, खोल हमने लिया है, अब इसे ड्रा करते हैं। पहले तो मैं मेजरमेंट का हिसाब लगा लूँ किस लिहाज से कौन सी चीज़ मैं कहाँ लिखूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे हीरा ने अभी बताया नहीं है कि क्या बनाने वाली हूँ, वो जब आप लोग मैं समझ लें ड्रा कर लूँगी ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। हाँ जी, तो मैंने ड्रा कर लिया है। जी जी बिल्कुल, मैंने जो ड्रा किया है वो है कुन फाया कुन। वो कहता है कुन यानी कि हो जा, और फाया कुन हो जाता है। लेकिन आयत अपने आप में ही इतने ईमान परवरदा है कि इसको पढ़ के एक बार इंसान का ईमान दोबारा तरोताज़ा लाजमी होता है, उसका अल्लाह पे ईमान और बढ़ जाता है। ये आयत भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। एक तो मुझे हर दूसरी आयत देख के ये ख्याल आता है कि ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट है और दिल के करीब है। आप लोग पता है, आप लोग में से किस किस के दिल में ये ख्याल आता है? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आयतों पर गौर किया जाए ना, हर आयत आप लोगों को एक मुख्तलिफ तरीके से अट्रैक्ट करती है और मुख्तलिफ वक्त के लिए सहारा बन जाती है। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँगी इस आयत को लेकर, और ये मेरा अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव है। किसी को अगर ना पसंद आए तो माजरत, लाइक एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट एनी आया, अबाउट एनी थिंग। चिड़चिड़ साथ साथ ही चलेगी। पहले मैं इस पेंटिंग के बारे में आपको बता दूं, मैंने कौन से कलर चूज़ किए हैं। एक्चुअल में मेरा इरादा इसका पिंक बैकग्राउंड करने का था, और जब मैंने निकाले कलर्स उसमें पिंक कलर ही नहीं था। ओ माई गॉड, एंड मुझे याद है मैंने एक बार पहले भी ऐसा जुगाड़ लगाया, तो फिर मैंने रेड एंड वाइट को मिक्स किया एंड देन एक पिंक कलर बना लिया, क्योंकि ये कॉमन थिंग है पिंक कलर की। और फिर मैंने बॉर्डर बना लिया, फिर मैंने फुल बैकग्राउंड पिंक कलर का कर लिया। और स्टार्टिंग तो ब्लैक या गोल्डन से अच्छी लगती होती है, जो ऊपर वाली आउटलाइंस होती है, और गोल्डन कलर तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे पास था ब्लैक कलर, तो मैंने ब्लैक कलर से ही आउटलाइन की, और मुझे ब्लैक कलर से आउटलाइन वैसे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है। बैकग्राउंड पिंक कलर का मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब बस इसको मैं ब्लैक आउटलाइन से करूँगी, ब्रश वगैरह धो लेती हूँ ताकि ये दोबारा रीयूज़ हो सके, एंड देन ब्लैक आउटलाइन मैं इसके ऊपर करूँगी कैलीग्राफी की। जब तक मैं ड्रा करती हूँ, साथ साथ हम लोग चिट चैट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कुन फाया कुन के बारे में इस कोई और पर्सपेक्टिव या कोई बात किसी के जहन में आती है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वो कुन कहता है तो दुनिया की सारी चीज़ें फाया कुन करने के लिए मुतहरिक हो जाती हैं, और मुझे ये बात बहुत अमेज लगती है। लाइक बस एक कुन की देर है और फिर सारा कुछ हो जाता है। तो ये हम लोग अगर अल्लाह ताला से इबादत करें, उसकी इबादत में वो चीज़ मांगे, तो क्या पता वो हमारी ख्वाहिश पे कुन कह दे। मुझे लगता है अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मेरी चाहत पर सर झुका दोगे, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर कुन कर दूंगा। ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
कि अगर हम दुआ करें और अल्लाह ताला की इबादत करें तो हमें हर चीज़ मिल सकती है। मुझे इस पर एक शेर भी याद आ रहा है, मुझे उस कुन फाया कुन पे कादिर रब से इश्क है, मुझे उस कुन फाया कुन पे कादिर रब से इश्क है, कि जब वो कुन कहता है तो चीज़ें हो जाती हैं, गुमा से आगे बयां से बाहर। होप सो आप ही सब, आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई हो, जल्दी आपको डिलीवर करवाती हूँ। और मुझे इसे बनाकर बहुत मज़ा आया, खुदा पर यकीन और बढ़ गया। आप लोग बताएं आप लोगों को ये पेंटिंग कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बात लाजमी कीजिएगा। ऐसे मज़ीद व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।